हेलो एंड जोहार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जानने को मिलेगा कि आप लोग पतरातू के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कैसे घूमने जा सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी से रास्ता पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, आज पतरातू का एक नया जगह आपको लेके चलता हूँ जिसका नाम है मिमी पाले। वहाँ पे ढेर सारा झरना है। फिलहाल है पतरातू डैम का फाटक के पुल में, तो यहाँ से आप लोग को जाना होगा इस रूट में, भुरकुंडा रामगढ़ रूट में। तो चलिए चलते हैं। आने के बाद यहाँ एक छोटा सा रास्ता गया हुआ है, दाहिना साइड डैम के किनारे किनारे एक रास्ता गया हुआ है। देखिए, यहाँ पे हम लोग को घुसना है, राइट साइड में घुसना होगा। सीधे भी रास्ता है लेकिन वो थोड़ा बस्ते घुमा के ले जाता है। ये डैम के नीचे नीचे आप आराम से जा सकते हैं। ये डैम का अंतिम छोर है, यहाँ से आप डैम के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ रास्ता बंद नहीं है। और ये हुआ मेरा गांव, मोहल्ला, जो भी बोलिए, जगह को बोलते हैं मुड़कट्टी। ऑफ रोडिंग का मजा ले रहे हैं। तो ये पूरा जंगल एरिया है और रास्ता भी ऑफ रोडिंग का रास्ता है। तो किन्हीं को आने का इच्छा हो तो स्कूटी छोड़ के बड़ा बाइक में आए ताकि चक्का इधर उधर स्लिप ना करे। आप लोग देख सकते हैं कैसा रास्ता है, स्टार्टिंग में ये हाल है। जंगल, पहाड़, रास्ता उबड़ खाबड़, बारिश हुई है तो थोड़ा दिक्कत है। अभी हम लोग केकता क्रॉस किए हैं, अब किनी का बॉर्डर, किनी गांव है वहाँ, उसका बॉर्डर पहुँच चुके हैं। तो आगे बस्ती मिलेगा, तो बस्ती में थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, रास्ता भी वैसे ही चहल पहल।
रास्ता थोड़ा संकरा है, जब आराम से गाड़ी चलाए, बत्तख वगैरह जानवर लोग घूमते रहते, कहीं ठोक दिए तो गांव वाले लोग आपसे वसूली करेंगे, उसका जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे, इसलिए आराम जब भी आए आराम से जाए। यकीनी जैसे पार कीजिएगा आपको दो रास्ता दाएँ बाएँ मिलेगा, आपको बाएँ मुड़ना है निमी के लिए। बाएँ मुड़ने के बाद सीधे चलना है, कुछ दूर आने के बाद, कुछ दूर थोड़ा ही दूर, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, उसके बाद फिर दो रास्ता मिलता है तो फिर राइट मुड़ना है। उसके बाद सीधा चलते जाना है। रास्ता ये एक बार बना था अंग्रेजों के समय, उसके बाद ये रास्ता कभी नहीं बना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कैसा रोड है, रोड से नीचे हम लोग चलना पड़ रहा है। भाई साहब बादल पहाड़ के ऊपर चल रही है, ऐसा नज़ारा तो अक्सर हम लोग को शिमला कुल्लू मनाली गैंगटोक वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन झारखंड में भी ऐसा ऐसा जगह है जहां आप लोग घूम सकते हैं। के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ तो गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, एक्सपीरियंस नहीं होना। जो नेचर फ्रेंडली है वो जरूर एक बार इधर विजिट करें, घूमने आए। अभी हम लोग टेहरा पहुंच चुके हैं, टेहरा ये फेमस है बांडा बाजार के लिए, जो लोग झारखंड का निवासी होंगे वो लोग जानते होंगे कि बांडा क्या होता है। टेहरा से आप लोग को बाएं मुड़ना होगा, यहाँ से थोड़ा रोड सही लग रहा है, आप देखिए कितना दूर तक सही मिलता है। रास्ता तो एकदम ही खराब है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिला रास्ता, क्योंकि अंग्रेज जमाने का रास्ता है ना ये, तो अंग्रेज लोग बना के गए थे, उसके बाद अंग्रेज लोग ही आके रिपेयर करेंगे, जब तक अंग्रेज लोग नहीं आएंगे रिपेयर नहीं होगा, गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं है। कमर माछी यहाँ है ये जगह का नाम है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग को दो रास्ता है तो दहिना साइड का रास्ता पकड़ना है। इधर रास्ता सही है, इधर रास्ता तो सही लग रहा है। इधर रास्ता बना हुआ है, कुछ अच्छा लग रहा, लगता है यहाँ अंग्रेज लोग आके बना के गए हैं, पीछे छूट गया वो झारखंड सरकार के लिए छोड़ के गए हैं ताकि झारखंड सरकार को शर्म आए और बना दे, बट अभी तक तो लग नहीं रहा कि झारखंड सरकार को कुछ शर्म आया है।
ये देखिए ये रेलवे ट्रैक बन रहा है, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपका बड़का काना रेलवे ट्रैक है जो बड़का काना जोड़ेगा रांची को। यहाँ से बाएं मुड़ना है, पानी की आवाज़ सुनी, वाह। बहुत खूबसूरत लग रहा है पानी का आवाज़ है। ये आपका पहला झरना, ये पानी नीचे बहते हुए जा रहे हैं, नीचे भी कुछ थोड़ा बहुत झरना है तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये फल नीमी में है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, पतरातु से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर होगा पतरातु डैम से। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, रास्ता भी है पूरा, बस रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ और दूसरा बहुत सारा झरना बना हुआ वो सब में। नीचे का फल जाने के लिए फिर ऊपर जाना पड़ रहा है, तो नीचे का फल जाते हुए रास्ता नहीं है, रास्ता बनाना पड़ रहा है। देखते पहुँचने सकते कि नहीं नीचे। इधर भी एक छोटा सा झरना बना हुआ है, यहाँ भी एक छोटा सा झरना, बट ये थोड़ा फ्लैट है, पानी कम है लेकिन अच्छा है, बैठने के लिए एक नंबर जगह है। आप यहाँ आके इसका पानी इधर गिर रहा है, वाह। ये एक दूसरा झरना है, वो तो मैं जो भी देखने नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए।
सब मजा लेता हूँ। आप लोग तीनों झरना देख लिए, जब भी आइए इंजॉय कीजिए, आइए दोस्तों के साथ, आइए फैमिली के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं, बस उतरने का इशू है। तो यहाँ से अब नहा के हम लोग निकलने जा रहे हैं। देखिए फल मेरे पीछे है।